नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है सेशन में और मैं आपके लिए मॉर्निंग करंट अफेयर्स का सेशन लेके आ गया हूं। तो सभी लोग जुड़ जाइए भाई अपने अरविंद सर के साथ और आपके सर फिर से आपके लिए क्लास लेके आ गए हैं। तो चलिए, आज तारीख है 26 जुलाई 2021। तो 26 जुलाई 2021 की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सभी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस इम्पोर्टेंट सेशन में, ठीक है। तो इस सेशन को फटाफट ज्वाइन करते हैं सभी लोग और आज देखते हैं कौन कौन सी वो ताजा खबर है जो परीक्षाओं में आने के लिए इम्पोर्टेंट है और जिनके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, डिस्कशन करना है, जिससे कि वो हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा नाम है अरविंद शुक्ला, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग फाइनेंस का मैं फैकल्टी हूं और आपके लिए मैं क्लास लेके आता हूं बैंकिंग और फाइनेंस की, करंट अफेयर्स की, ठीक है। अनअकैडमी पर मेरा कोड है ARS50। मेरा कोड क्या है? ARS50 इज माय कोड ऑन अनअकैडमी, ठीक है। आप सभी को बता दें कि ये मेरी क्लास की टाइमिंग है अनअकैडमी पर। अगर आप मेरी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको मॉर्निंग 8 AM पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, 10 AM पर आपको बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल क्लास मिलेगी ऐप के ऊपर और 5 PM पर आपको मिलेगा स्पेशल जनरल अवेयरनेस मॉक, अ कंप्लीट मॉक अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंस एंड स्टैटिक जीके। और 8 बजे शाम को मैं डेली पढ़ाता हूं आपके लिए बैंकिंग MCQ। तो कंप्लीट पैकेज एक ही अंडर द वन रूफ, ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज फॉर द जनरल अवेयरनेस प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ, ठीक है। तो आप सभी को बता दें कि जो हमारे टॉप एजुकेटर्स के बैचेस हैं वो आ रहे हैं 28 जुलाई 2021 से। कब से आ रहे हैं? 28 जुलाई 2021 से। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के बैच, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स के बैच। और आपको बता दें कि जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, तो अनअकैडमी का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब जो बैंक बिल्कुल इंपॉर्टेंट जिनके अपकमिंग एग्जाम लगे हुए हैं, तो इसे बेस्ट क्यों कहा जाता है ये भी आपको बता दें कि 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो 70+ फैकल्टीज, एजुकेटर्स और इनके द्वारा बनाए गए जितने भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं वो आप सभी के लिए ओपन हो जाते हैं अगर आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं। और कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पुराना बैच मिले, क्योंकि एवरी वीक हम लोग लेके आते हैं नए बैचेस, ठीक है। और 98% कैंडिडेट्स का यहाँ पर क्या है, फेथ है। सो एक्सीलेटर बैच आपके लिए आ रहा है 28 जुलाई 2021 से। और इसके साथ आपको बता दें रन विजय CT बैच भी 28 जुलाई से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस अवेलेबल है 28 तारीख से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी एवरी संडे को आपके लिए लेके आता है लाइव कॉम्बैट और लाइव कॉम्बैट में 36 क्वेश्चन होते हैं 50 मिनट में, जहां पर 25 जुलाई जो आपने देखा लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुआ है यस्टरडे संडे को, वहां पर पहला प्राइस किया था एप्पल आईपैड मिनी, एयरपॉड, JBL स्पीकर। तो ऐसे ही हर एवरी संडे हम आपके लिए लाइव कॉम्बैट लाते हैं और ये जो लाइव कॉम्बैट होता है ये बैंक के अपकमिंग एग्जाम के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। और इसके लिए जो आपको फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करना है कोड वो है ARS50, दिस इज योर इन्विटेशन कोड, सो यू ऑल आर वेलकम फॉर द अनअकैडमी लाइव कॉम्बैट। सभी लोग आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। चलिए, और आपको बता दें कि जो CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 21% का डिस्काउंट प्लस 6 मंथ का एडिशनल आपको क्या मिल रहा है, वैलिडिटी मिल रही है। और आप जब प्राइस हाइक हो उसके पहले आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और यहां पर यूज कर सकते हैं मेरा कोड ARS50। कौन सा कोड यूज कर सकते हैं? ARS50। आप ARS50 कोड का यूज कर सकते हैं। बैंक के साथ जो RBI और NABARD की प्रिपरेशन करते हैं उनको 75% ऑफ मिलना है, आपको यूज करना है ARS50 कोड। तो अनअकैडमी पर हम आपको देते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। क्या देते हैं? अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये सभी सेवाएं आपको एक ही छत के नीचे मिलती हैं अनअकैडमी, और आप सभी लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं फटाफट। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और जो लेट हो रहे हैं उनको लेट नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप सभी को बता दें कि 24 मंथ सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन 24 मंथ और 12 मंथ का होता है। यहां पर आप यूज कर सकते हैं ARS50 कोड और आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, स्टार्ट करते हैं आज की ताजा खबर के साथ। और पहली खबर क्या रही, चलिए देखते हैं पहली खबर क्या है फटाफट, सभी लोग देखते हैं, रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, द फर्स्ट 2D प्रिंटेड स्टील ब्रिज इन द वर्ल्ड हैज बीन ओपन्ड इन विच सिटी, ठीक है। दुनिया का पहला 2D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में खोला गया है, चलिए सभी को फटाफट आंसर देना है। 2D प्रिंटेड ब्रिज कहां पर खोला गया है, ठीक है। तो पहला 2D प्रिंटेड
प्रिंटेड ब्रिज कहां पर खोला गया है, ठीक है, 2D प्रिंटेड ब्रिज की बात हो रही है, तो आपको बताना है एम्स्टर्डम, कैनबरा, वियना, बेरिसिलिया और ओटावा। तो इसका जो सही आंसर है वो एम्स्टर्डम है, ठीक है। एम्स्टर्डम की बात करें तो यहां पर 2D होगा, क्या होगा 2D। तो क्या लिखा है, दुनिया का पहला 2D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में खोला गया है। कहां पर खोला गया, एम्स्टर्डम में खोला गया है दुनिया का पहला 2D प्रिंटेड ब्रिज, ठीक है। 2D प्रिंटेड ब्रिज कहां खोला गया, एम्स्टर्डम में खोला गया है। द 3D प्रिंटेड मेटल स्ट्रक्चर हैज नेवर बीन कंस्ट्रक्टेड बिफोर, इसके पहले मतलब 3D जो प्रिंटेड धातु संरचना का निर्माण पहले कभी नहीं किया गया। MX3D स्मार्ट ब्रिज नाम का ब्रिज डच कंपनी MX3D द्वारा बायर और आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नामक 3D प्रिंटेड तकनीक का प्रयोग करके बनाया गया है। यह तकनीक रोबोटिक्स को वेल्डिंग के लिए जोड़ती है, यानी अब देखिए जो पुल है वो भी किसके थ्रू बनाए जा रहे हैं, रोबोटिक्स के थ्रू। किसके थ्रू बनाए जा रहे हैं, रोबोटिक्स के थ्रू बनाए जा रहे हैं। और आप सभी लोग देखिए ये सब जो खबरें इंपॉर्टेंट आती हैं, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहां से और कैसे इंपॉर्टेंट। न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये ब्रिज बनाया गया है, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये ब्रिज बनाया गया है। और सोनम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन द सेशन, आपका स्वागत है सोनम। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन मार्केट हैज बीन ओपेंड अप इन विच कंट्री। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन बाजार किस शहर में खोला गया है, सभी को बताना है, रसिया, इंडिया, किस देश में खोला गया है। चलिए, इंडिया, रसिया, जापान, ईरान और चाइना, सभी को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन बाजार कहां खोला गया है। तो रसिया में, इंडिया में, जापान में, ईरान में, चाइना में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा चाइना। क्या होगा सही आंसर, चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। सभी लोग आते जा रहे हैं तो सभी को वेलकम है भाई, जितने भी लोग, सेशन स्टार्ट हो गया है और आप सभी के लिए अरविंद सर अपनी क्लासेस को फिर से रिज्यूम कर दिए और वैसे ही फुल फॉर्म में आपके लिए फिर से क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए ताबड़तोड़। चलिए, तो आपको बता दें कि द लार्जेस्ट कार्बन मार्केट इन द वर्ल्ड हैज बीन ओपन्ड बाय द चाइना। विश्व का सबसे बड़ा जो कार्बन मार्केट है वो कहां पे खोला गया है, चाइना में। अब देखिए लिखा क्या है, द कंट्री इज द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिटर इन द वर्ल्ड। यानी अगर हम बात करें तो जो चाइना है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक है। कार्बन बाजार की परियोजना की घोषणा चीन के द्वारा 3 साल पहले की गई थी, हालांकि देरी के कारण इसे चकमा दिया गया था। यह योजना उत्सर्जन भत्तों को आवंटित करके ऊर्जा संयंत्रों पर एक कैप लगाएगी, ठीक है। तो आपको बता दें कार्बन, दुनिया का पहला कार्बन बाजार कहां खोला गया, चाइना में। बिल्कुल सही है सोनम जी, आपका आंसर वेल्डन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अब चाइना के बारे में बात कर लें दोस्तों, चाइना के जो राष्ट्रपति उनका नाम है सी जिनपिंग। क्या नाम है, सी जिनपिंग। और कैपिटल क्या है, बीजिंग। और यहाँ की जो करेंसी है रेमिनबी भी कहा जाता है और युआन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युआन भी, यहाँ की क्या है, करेंसी है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरी ईयर द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ जुलाई। हर साल जुलाई के किस दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 21 जुलाई या 22 जुलाई। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट के 2 डेज में, जो क्लास नहीं हो पाई थी उस 2 डेज की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आपके लिए आया हूँ, और आज की भी ताजा खबर। तो आज की क्लास में और कल की क्लास में पूरे 4 दिन के करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, यानी आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी गारंटी है, आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, यानी कोई करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा जो मैं डेली पढ़ाता था। तो आप सभी को बता दें कि 23 जुलाई इज द राइट आंसर। देखिए आप सभी को पता होगा कि 23 जुलाई 1927 द फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया वेंट ऑन एयर फ्रॉम द बॉम्बे स्टेशन, ठीक है। तो भारत का पहला रेडियो प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था, 23 जुलाई को। कब स्टार्ट हुआ था, 23 जुलाई को, और 1927 में। कहां से हुआ था, मुंबई से। अब मुंबई है, पहले क्या होता था, बॉम्बे, ठीक है, पहले क्या होता था, बॉम्बे, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो खबर है वो मैं पूरी अच्छी तरह से बता देता हूं। 23 जुलाई 1927 द फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट, यानी भारत का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट
एयर ऑन एयर किया गया था, कहां से? बॉम्बे से, ठीक है, जिसे अब क्या कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत में रेडियो प्रसारण ब्रिटिश काल के दौरान 1923 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब के द्वारा शुरू किया गया था, यानी जो भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी वो ब्रिटिश शासन में 1923 में ही हो गई थी और इसे स्टार्ट किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो इज द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क AIR है, कौन है? ऑल इंडिया रेडियो है। 479 स्टेशनों के साथ, 479 स्टेशन के साथ पूरे देश में ये अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहा है। अब हम ऑल इंडिया रेडियो के बारे में भी बात कर लें। सोनम जी ने लिख दिया कारगिल विजय, और आज 26 जुलाई है, आज 26 जुलाई को कारगिल विजय मनाते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कारगिल विजय बिल्कुल सही है, कारगिल विजय। और आज आपके राष्ट्रपति जी भी दौरा करने जा रहे हैं, आपके राष्ट्रपति कौन, आपके और हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, कौन है, माननीय, माननीय लगाना चाहिए, बिल्कुल सम्माननीय है, माननीय रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ, रामनाथ कोविंद जी कहां का दौरा करेंगे, आज दौरा करेंगे जम्मू कश्मीर के ऊपर लेह लद्दाख का, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 1936 में AIR को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो थी। इंटरनेशनल शतरंज डे भी मनाया जा रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सोनम मैम, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, हु हैज बीन नेम्ड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन के लिए किसे नामित किया गया, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में ये मैंने खबर आपको पढ़ाई थी। तो आपको सही आंसर बता दें, यहां पर है सुदेश जिगान, ठीक है, संदेश जिगान साहब है, संदेश जिगान साहब है, सही आंसर है संदेश जिगान, ठीक है। तो आपको बता दें भारत के जो सीनियर डिफेंडर हैं, भारत के जो सीनियर डिफेंडर हैं जिनका नाम है संदेश जिगन, क्या नाम है, संदेश जिगन, ठीक है, हैज नेम द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 सीजन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के सीजन के लिए संदेश जिगान को चुना गया है, ठीक है, संदेश जिगान साहब को चुना गया है। सोनम जी ने भी ई आंसर दे दिया है। अब आपको बता दें इनके बारे में और एक खबर, यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। 2014 में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जो ईयर का पुरस्कार था इन्होंने 2014 में जीत लिया था, और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इस समय अगर हम AIFF की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, कौन है, प्रफुल्ल पटेल साहब हैं। 23 जून 1927 को फेडरेशन की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर द्वारिका दिल्ली में, कहां पर है, द्वारिका दिल्ली में, ठीक है। तो ये खबर देखिए आपके लिए आ गई है वुमेन में, यस बाला देवी, बिल्कुल सही है बाला देवी, क्या बात है, बिल्कुल ये खबर पढ़ाई गई थी और आपको याद भी है। चलिए एक किताब आई है अभी रिसेंटली, एक किताब अभी हाल ही में आई है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसका चर्चा सुना हो तो इस किताब के बारे में आपने भी सुना होगा, बैंक विद अ सोल इक्विटास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए आपको बताना है कि किताब आई है जो, ये किसके द्वारा लिखी गई है, फटाफट सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है दोस्तों, एक किताब आई है इस किताब के बारे में आप सभी को आंसर देना है, चलिए फटाफट आंसर देना है दोस्तों सबको फटाफट। कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है, डी के गारयली के द्वारा, यशपाल जी के द्वारा, या भीषम सैनी के द्वारा, या अनीता देसाई के द्वारा। एक किताब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और आपको बताना है किताब है, और किताब की अगर हम बात करें तो किताब का नाम क्या है, किताब का नाम है, चलिए बैंक विद अ सोल इक्विटास, बैंक विद अ सोल इक्विटास, बैंक विद अ सोल इक्विटास एक किताब का नाम है, और इस किताब के आपको क्या बताना, राइटर कंफ्यूज्ड सर, आपने कहा कंफ्यूज्ड है, कोई बात नहीं चलिए हम बताएंगे। तो आपको बता दें सी के गारयली, ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, इसका सही आंसर बी है, ठीक है, RBI। देखिए आपको बता दें कि जो RBI के जो गवर्नर हैं, ठीक है, तो
जिनका नाम क्या है, दुब्बा डी सुब्बा राव, ठीक है, इन्होंने इस किताब का उद्घाटन किया है। और आपको एक बात और बता दें, इस किताब को लिखा है डी के गारियली ने, ठीक है। अब देखिए इस किताब के बारे में बता दें तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुब्बारी सुब्बा राव ने डॉक्टर सी के गारियली ठीक द्वारा लिखित बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक का अनावरण किया है। डॉक्टर गारियली इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं और यह पुस्तक इक्विटास और ईडीआईटी की यात्रा का वर्णन करती है, ठीक है। तो जो ये किताब है, सर मेरे दोस्त कहाँ गए बेटा, ये क्लास नहीं हुई थी इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है जो दोस्त है उनके पास तक सूचना नहीं पहुंची है। अगली क्लास से वो सभी दोस्त आ जाएंगे, आपके एक भी दोस्त गायब नहीं होंगे, पूरे दोस्त आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो आपके साथ क्लास लेंगे और हम लोगों के साथ लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुब्बारी सुब्बा राव के द्वारा कौन सी, डॉक्टर सी के गारियली के द्वारा लिखी गई किताब बैंक विद अ सोल इक्विटास का अनावरण किया गया, ठीक है। तो सी के गारियली के द्वारा लिखी गई किताब है। आपको एक बात और बता दें इसी में कि कुछ पुस्तक और जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई इनके बारे में बता दें, अ स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा लिखी गई है, आरएसएस सुधांशु मित्तल के द्वारा लिखी गई है, द इंडियन स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, किसने लिखी है, बिमल जालान ने, द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मैं बार बार कह रहा हूं इसको लिख लीजिए कहीं साइड में, चलिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडिया स्टोरी बिमल जालान के द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है, समझ गए बात। और द ग्रेट बिग लाइन चाइल्ड प्रोडिजी नाइट, ठीक है, तो चाइल्ड प्रोडिजी नाइट के द्वारा लिखी गई द ग्रेट बिग लाइन, चलिए ये आपके लिए किताब आ गई। राष्ट्रपति भवन में एसबीआई बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ है, देखिए अभिषेक जय सवाल भी आ गए, वेल डन अभिषेक सर, वेलकम। चलिए अब राष्ट्रपति जी को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अब हम लोग। चलिए रूबीना फ्रांसिस जिन्होंने पेरू में पैरा स्पोर्ट्स कप में महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, किस राज्य से हैं। देखिए हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं अभी इस समय ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जिन जिन क्षेत्रों में भारत का कभी नाम नहीं था उन क्षेत्रों में भारत के प्लेयर खेले भी हैं और राउंड भी जीतते जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आई होप और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं उनके साथ, हम लोग भी बेस्ट विशेस हैं कि ओलंपिक में गोल्ड ज्यादा लेके आए, जरा भारत का वर्चस्व चमकना चाहिए। तो आपको बताना रूबीना फ्रांसिस हु हैज वॉन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट फॉर वुमेन इन पैरा स्पोर्ट्स क्लब इन पेरू इस विच स्टेट, चलिए किस राज्य से आती हैं, आपको ये आंसर देना है, किस राज्य से आती हैं ये आंसर देना है दोस्तों। तो फटाफट आंसर दीजिए और यहां पर मध्य प्रदेश आंसर दे दिया है, सोनम ने मध्य प्रदेश आंसर दे दिया, एमपी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। तो आप सभी को बता दें कि जो मध्य प्रदेश शूटर है रूबीना फ्रांसिस है सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द ऑनगोइंग पैरा स्पोर्ट्स कप इन पेरू, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप कर दिया है, ठीक है। किसका नाम है रूबीना फ्रांसिस, किस खेल से आती है, शूटिंग से आती है, किससे आती है, शूटिंग से, किस राज्य से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, कहां से आती है, मध्य प्रदेश से। सी हैज वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट फॉर वुमेन, इन्होंने 10 मीटर पैरा इवेंट में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है बाय स्कोरिंग 238.1 पॉइंट, ठीक है। और आपको बता दें ओलंपिक में भी, ओलंपिक में भी आपके जो सौरभ चौधरी हैं, कौन है सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी बहुत बढ़िया, सौरभ चौधरी चौधरी ने क्वालिफाई किया है फाइनल्स के लिए, किसके लिए, फाइनल्स के लिए, और जब क्वालिफाइंग राउंड में वो नंबर एक रैंक पे थे, नंबर एक रैंक पे थे, तो आई होप सौरभ चौधरी गोल्ड के लिए बल्लेबाजी कर दें और पहला गोल्ड भारत के लिए प्रोवाइड करा दें, चलिए फटाफट पहला गोल्ड की दरकार है। दिस विन आल्सो सिक्योर्ड हर द कोटा फॉर द इंडिया एट द टोक्यो समर पैरालंपिक 2020, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में बात कर ली जाए, किसके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बात कर ली जाए दोस्तों, फटाफट सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप सभी से बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए तो मजा आ जाएगा।
नीलिमा मैम भी आ गई हैं, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है मैम आपका, स्वागत है, वेलकम। चलिए क्या बात है, सभी बच्चे आते जाएंगे, जैसे ही पता चलेगा वैसे ही आते जाएंगे। टूरिस्ट अट्रैक्शन, कहां कहां पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की जगह, जैसे सांची का स्तूप है, ग्वालियर का फोर्ट है, ओरछा फोर्ट है, खुजराहो, उज्जैन, ठीक है, तो ये सब टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फेस्टिवल्स गौर, गंगा, दशमी, हरेली, ये सब फेस्टिवल्स वहां पे मनाए जाते हैं। और आपको बता दें रिवर्स, नर्मदा रिवर फेमस है, ताप्ती, बेतवा, सोन और चंबल, ये नदियां फेमस है मध्य प्रदेश की। आपको एक चीज और बता दें, क्या लिखा है यहाँ पर, सिल्वर मेडल आ चुका है। यस, मीराबाई चानू ने अपने पहले ही दिन के इवेंट में सिल्वर मेडल की जुगाड़ लगा दिए भारत के लिए अपनी मेहनत की दम पर। और कहते हैं कि अभी तक वहां पर सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल आया था मलेश्वरी के द्वारा, ठीक है, और अब आ गया है सिल्वर मेडल। क्या आ गया है? सिल्वर मेडल आ गया है। चलिए, गोल्ड की आशा थी लेकिन बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना ही, उन्नति ही जिंदगी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और बहुत बढ़िया, चलिए अगली खबर आपके सामने ये रही। हाल ही में कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करने की मंजूरी दी है? रिसेंटली द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ विच स्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, सभी को फटाफट आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आराम से आपके लिए, देखिए करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, फटाफट आंसर देना है दोस्तों, फटाफट सभी को आंसर देना है। चलिए फटाफट आंसर देना है। अब आपसे पूछा गया है कि कहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की जा रही है, कहां पर इनमें से, कहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की जा रही है, और सोनम ने आंसर दे दिया सी, और यहां पर अभिषेक ने आंसर दे दिया है पुदुचेरी, और नीलिमा मैम ने लद्दाख पहले ही आंसर दे दिया है, और सही आंसर लद्दाख ही है, बिल्कुल सही आंसर है लद्दाख, बिल्कुल सही आंसर है लद्दाख। देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 750 करोड़, कितने करोड़ के साथ, 750 करोड़ की लागत से लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो इसे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता था, अब कहा जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, और इसके जो मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम आपको बताना है, मंत्री का नाम बताइए, एजुकेशन मंत्री का नाम आपको बताना है फटाफट चैट बॉक्स में। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में 2 संशोधन ला सकता है। सरकार ने लेह और कारगिल के बीच स्थित गांव खस्सी में के पास जमीन की पहचान भी कर ली है, और अब जो लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके जो मंत्री हैं, फटाफट नाम बताइए, मंत्री का नाम बताइए दोस्तों, फटाफट मंत्री का नाम बताना है। चलिए धर्मेंद्र प्रधान, क्या बात है, वेल डन, बहुत बढ़िया नीलिमा मैम, बहुत बढ़िया। हाल ही में भारत के कौन से 2 युवा पहलवान कैडेट विश्व चैंपियनशिप में नवीनतम विश्व चैंपियन बने हैं? और आपने देखा होगा प्रिया मलिक भी वहीं पर चैंपियन बनी है, गोल्ड मेडल प्रिया मलिक ने भी जीता है वहां पर, प्रिया मलिक महिला कुश्ती से गोल्ड मेडल जीता है वहां पर, ठीक है। और अभी आपको बताना है कि कौन से 2 पहलवान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन से पहलवान है जिन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, चलिए फटाफट बताइए। तो नेहा राठी और रेशमा माने, प्रिया एन तन्नु, ललिता सेरावत और नेहा राठी, अलका तोमर और प्रिया, और रेशमा माने और तनु। तो फटाफट आंसर देना है, कौन से वो 2 पहलवान है, कौन से 2 पहलवान है। चलिए हाल ही में भारत के कौन से 2 युवा पहलवान कैडेट विश्व चैंपियनशिप में नवीनतम विश्व चैंपियन बन गए हैं? अलका तोमर और प्रिया, नीलिमा मैम ने आंसर दे दिया अलका तोमर और प्रिया, अलका तोमर और प्रिया आंसर दिया जा चुका है नीलिमा मैम के द्वारा, ठीक है। तो क्या सही आंसर है, सही आंसर है, एक बार देख लीजिए भाई, सही आंसर है क्या, सही आंसर है एक बार बता दीजिए फटाफट। सोनम ने बी आंसर दे दिया है, प्रिया एन तनु, बिल्कुल सही आंसर है, प्रिया एन तनु इज द राइट आंसर, प्रिया एन तनु इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है प्रिया एन तनु। चलिए आप सभी को बता दें, आप सभी को बता दें कि रिसेंटली वर्ल्ड रेसलिंग फ्रॉम द इंडिया, प्रिया एन तनु बिकम द लेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने, अभी खबर भी उड़ गई थी कि प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक में, सोशल मीडिया पर धुआंधार। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आपको बता दें कि हाल ही में भारत की युवा पहलवान प्रिया और तनु कैडेट विश्व चैंपियनशिप में नवीनतम विश्व चैंपियन बने हैं। इसमें बेलारूस की बेलेरिया मिकिसिस के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल की है। प्रिया ने 73 किलोग्राम वर्ग में बेलारूस की सोनिया
पटापोविच को 5-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। ठीक है, और आपको बता दें सागर जगलान और अमन गुलिया ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता के खिताब जीते हैं। तो यानी भारत के जो चार पहलवान है, दो पुरुष दो महिला श्रेणी में, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कहां पर? जो हंगरी बेडापोस्ट में चल रहा है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए अगली खबर आपके सामने ये रही। विच स्टेट हैज रिमूव्ड द अपर एज लिमिट ऑफ ट्रांसजेंडर कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग एडमिशन टू न्यूमेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम। किस राज्य ने कई शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है? चलिए, कौन सा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर्स के लिए ऊपरी सीमा, जो एज की अपर लिमिट होती है, उसको हटा दिया है? फटाफट, कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में एक रिफॉर्म के तहत ये निर्णय लिया है? चलिए फटाफट। और सोनम गुर्जर ने ए आंसर दिया है। बेल्डन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी को आंसर देना है। देखिए 5-6 लोग जो लाइव हैं, सभी लोग आंसर दीजिए प्लीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। बिल्कुल सही आंसर है, केरल राज्य ने अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले केरल राज्य ने क्या किया है, जितने भी ट्रांसजेंडर जो अपनी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट को हटा दिया है। ठीक है, जिससे वो भी समाज में आगे बढ़े, उन्नति की तरफ चले और एजुकेशन को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आप देखिए केरल राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है, जो कई शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने सभी कार्यक्रम में लेवल केवल ट्रांस पर्सन के लिए आरक्षित 2 सीटों को मंजूरी दी थी। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की थी। यानी केरल पहला राज्य बना था, बिल्कुल सही है, जिन्होंने ट्रांसजेंडर को भी कवर करने की घोषणा की थी, चाहे वो एजुकेशन हो अलग अलग माध्यम से, यानी इनको भी सोसाइटी में, समाज में और गवर्नमेंट के प्रोवाइड जितनी भी फैसिलिटीज है उसमें बराबरी का अधिकार मिले और मिलना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अगली खबर आपके लिए ये रही। विच डे ऑफ जुलाई इज ऑर्गेनाइज एज वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे? चलिए, वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे आपको बताना है कब सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए फटाफट आंसर देना, दिन का क्वेश्चन है, डे वाला क्वेश्चन है कि जो दिन से नहीं पूछा जाता है, डे और थीम उनकी पूछी जाती है उसी से क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि जो विश्व फ्रेजल एक्स जागरूकता दिवस है 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर आपके सामने। देखिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को विश्व फ्रेजल एक्स जागरूकता दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस दिन विश्व भर में विभिन्न समुदाय द्वारा विभिन्न स्थानों और स्मारकों को रोशन किया जाता है। ठीक है, तो जो फ्रेजाइल एक्स जागरूकता दिवस है ये 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगली खबर आपके लिए ये रही। चलिए अगली खबर आपके लिए आ गई, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब आपको बताना है कि एनपीएस में जो पेंशन स्कीम है उसमें अभी तक 49% एफडीआई की लिमिट थी। कितनी थी? 49% एफडीआई की लिमिट थी। अब आपको बताना है कि ये लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये बताना है। ठीक है, तो गुजरात जो सोनम गुर्जर है, इन्होंने केरल के पार्क भी बता दिए थे। नीलिमा मैम ने 74% आंसर दे दिया है। नेशनल पार्क बताए थे प्रयार और साइलेंट वैली, ये सब केरला के नेशनल पार्क थे। गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको बता दें अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नेशनल पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को देखती है, उस सेक्टर में यानी पेंशन सेक्टर में एफडीआई की लिमिट पहले 49% थी, अब इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर है, 74% इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। ठीक है, पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण यानी जैसे इंश्योरेंस को कौन देखता है? इरडा। बैंक को कौन देखता है? आरबीआई। कैपिटल मार्केट को कौन देखता है? सेबी। इसी प्रकार पेंशन के लिए जो एपेक्स बॉडी है उसका नाम है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस अधिनियम
में संशोधन किया गया है, विधेयक को पास कराया गया है और अब एफडीआई की लिमिट 74% कर दी गई है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज हार्वेस्ट इट्स फर्स्ट क्रॉप ऑफ द स्पेस राइस, यानी अंतरिक्ष में चावल की खेती करके और उसकी कटाई की है, उस देश का नाम बताना है। जापान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया। चलिए, कौन सा देश अभी अंतरिक्ष में चावल की खेती करके कटाई करके लाया है भाई, बताइए फटाफट। तो आपको बता दें, ये जो महान काम है, ये महान काम अभी किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? चाइना के द्वारा। ठीक है, अब देखिए चाइना में क्या है। Recently, China has harvested its first crop of space rice. चलिए, चाइना ने अभी स्पेस राइस की पहली, जो स्पेस राइस की पहली फसल है उसको अभी हार्वेस्ट किया है। चीन ने नवंबर में जांग ई फाइव मिशन के तहत, कौन से मिशन के तहत, याद रखिएगा मिशन का नाम, चांग ई फाइव मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड होता है यूनिवर्स, विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन चीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा है। ठीक है, तो चाइना ने अभी हाल ही में क्या किया है? स्पेस राइस। सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए पहले प्लीज। तो स्पेस राइस की कटाई की है चाइना ने। चलिए, अगली खबर आपके सामने आ गई है। Where the India's first port taxi service plan to be launched by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. Yamuna Expressway औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा भारत की पहली port taxi सेवा कहां शुरू की गई है? चलिए, या कहां शुरू की जाने की योजना है? चलिए, port taxi को कहां पे शुरू किया जाएगा, ये योजना कहां पर है? चलिए, न्यू दिल्ली में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी, देखो भारत की पहली एयर टैक्सी, एयर टैक्सी कहां स्टार्ट की गई? एयर टैक्सी स्टार्ट की गई हरियाणा में। कहां पे स्टार्ट की गई? हरियाणा में। कहां पे स्टार्ट की गई है? हरियाणा में। भारत की पहली एयर टैक्सी हरियाणा में स्टार्ट की गई। ठीक है, अब आप सभी को बताना है भारत की पहली पॉड टैक्सी, तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कहां पे स्टार्ट की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। देखिए, आपको बता दें यहां पर फिल्म सिटी बन रही है। ठीक, और फिल्म सिटी के साथ बनना है जेवर एयरपोर्ट। क्या बनना है? एयरपोर्ट बनना है। ठीक है, इनके बीच में क्या चलेगी? पॉड टैक्सी चलेगी। ठीक है, तो फिल्म सिटी और एयरपोर्ट, इनके बीच में क्या चलेगी? पॉड टैक्सी चलेगी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहां पे हो रही है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझ गए बाप? उत्तर प्रदेश। आप लोगों के आंसर नहीं आ रहा है भाई, क्या बात है? आंसर भी तो आने चाहिए, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ओके, नोएडा, नीलिमा ने आंसर दिया, हमें दिख ही नहीं रहे थे आंसर, क्या बात है? नोएडा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात है। चलिए, तो आपको बता दें, आपके लिए जो आंसर है, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश में आगामी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी के बीच शुरू की जाएगी। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे निम्नलिखित में से अलग अलग शहरों में है। एक तो गोरखपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हिंडन में भी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगरा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, प्रयागराज में भी है, बरेली में भी है। कहां पर है? बरेली में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मानसून उत्सव श्रवण हरेला उत्सव 2021 मनाया गया? अब आपको बताना है कि श्रवण हरेला उत्सव 2021 कहां पर आयोजित किया गया है, किस राज्य में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया गया हरेला उत्सव, फटाफट बताना है किस राज्य में आयोजित किया गया हरेला उत्सव। सभी को, नीलिमा मैम ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर है उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, श्रावण हरेला फेस्टिवल 2021, आज सभी को पता होगा, आज से सावन का मंथ स्टार्ट हो गया, जो हिंदी मंथ होते हैं उसमें सावन एक महीना होता है और सावन का जो मंथ है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है,
तो हरेला फेस्टिवल 2021 एंड इंपॉर्टेंट फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस कुमायूं रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो कुमायूं देखिए गढ़वाल पाया जाता है और एक कुमायूं पाया जाता है, तो उत्तराखंड में ये जो फेस्टिवल है इसको आयोजित किया गया 16 जुलाई को। ठीक है, तो अब आपको बता दें उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में नंदा देवी मेला लगता है, पूर्णगिरी मेला लगता है, सियालदे बिखौटी मेला लगता है, फूल देसी उत्सव मनाया जाता है। कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर मनाया जाता? उत्तराखंड में। और हरेला उत्सव कुमायूं क्षेत्र में मनाया जाता। कहां मनाया जाता? कुमायूं। और कुमायूं कहां पे पाया जाता? उत्तराखंड में। कहां पर पाया जाता? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। और यहां तेलंगाना आंसर दे दिया है, ठीक है, तेलंगाना नहीं है बेटा, सही। अच्छा, तेलंगाना में मनाया जाता है बोंदुला, बोंदुला उत्सव, ठीक है, गुड, तेलंगाना में मनाया जाता है बोंदुला उत्सव, ये बताया, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट, उस एयरलाइन का नाम बताइए जो हाल ही में IATA टर्बुलेंस जागरूकता प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली मध्य पूर्व की पहली एयरलाइंस बन गई है। यस, क्रिटोजेमिक गार्डन उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है नीलिमा मैम। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के शायद नैनीताल में या इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि कौन सी एयरलाइन है, कौन सी एयरलाइन है, विच एयरलाइन, ई, आई थिंक इन्होंने ई आंसर दे दिया। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए भाई, सभी लोग आंसर देते जाइए, सभी लोग, कौन सी एयरलाइन है, कौन सी एयरलाइन है, ठीक है, कौन सी एयरलाइन है जिसे अभी IATA, ठीक है, IATA टर्बुलेंस जागरूकता प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया, तो वो है कतर एयरबेस। कौन सी है? कतर एयरबेस। क्या है? कतर एयरबेस। सही आंसर क्या है? कतर एयरबेस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कतर एयरबेस है, ठीक है, कतर एयरबेस इज द राइट आंसर, ठीक है, कतर एयरबेस, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया कतर एयरबेस इज द राइट आंसर। देखिए कतर एयरबेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के टर्बुलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म में शामिल हो गया है, जो एयरलाइंस अशांति से बचने में मदद करने के लिए डेटा संसाधन है। 2018 में लॉन्च IATA टर्बुलेंस जागरूकता प्लेटफॉर्म शामिल होने वाली मध्य पूर्व की पहली एयरलाइंस बन गई है। और कतर एयरबेस के बारे में बता दें तो इसके जो CEO है उनका नाम है अकबर अल बकर। गठबंधन वन वर्ल्ड है, दोहा कतर में इसका मुख्यालय है, ठीक है, तो कतर एयरबेस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार विश्व स्तरीय संरक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के साथ भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है, यह योजना कहां पर बनाई जा रही है? वेयर इन इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विद वर्ल्ड क्लास कंजर्वेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज। अब आपने ये खबर पढ़ी है, पहले भी ये खबर आपने पढ़ी है कि कहां पर बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है हेरिटेज, इंडियन यानी भारतीय विरासत, भारतीय विरासत, भारतीय विरासत कहां पर बनाया जा रहा है, भारतीय विरासत संस्थान। चलिए फटाफट आंसर दीजिए भाई, भारतीय विरासत संस्थान कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहां पर सिचुएटेड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लोकेटेड किया जा रहा है। चलिए तो आपको बता दें ये खबर मैंने पहले भी आपको पढ़ाई थी, उत्तर प्रदेश नोएडा, बिल्कुल सही आंसर है नीलिमा मैम, बिल्कुल सही आंसर है। आपको पहले ही बताया गया था कि नोएडा उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को स्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, टू द फोकस ऑन कंजर्वेशन एंड रिसर्च इन इंडिया टेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और आपके लिए जो सही इंपॉर्टेंट खबर थी वो क्या थी कि गौतम बुद्ध नगर और इसे कहा जाता है नोएडा, क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध नगर को ही क्या कहा जाता है? नोएडा। यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर बनाया जाएगा भारतीय विरासत संस्थान, क्या बनाया जाएगा? भारतीय विरासत संस्थान। अगला खबर, चलिए अगली खबर आपके सामने आ चुकी है दोस्तों, व्हेन डिड यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व द फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे एज द वर्ल्ड चेस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। चलिए वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा, वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया गया? चलिए फटाफट आंसर देना है, वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया गया ये आपको बताना है फटाफट। चलिए फटाफट सभी को आंसर देना है दोस्तों,
वर्ल्ड चेस डे, संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम विश्व शतरंज दिवस कब मनाया, जिसे जैसे कि हाल ही में विश्व शतरंज दिवस मनाया गया, तो पहला वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया गया था, और अभी हाल ही में भी वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, आपको आंसर देना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, आपके आंसर को हम पढ़ रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए। तो आप सभी को बता दें इसका जो सही आंसर है 20 जुलाई 2020 इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके आंसर का हम वेट कर रहे हैं, तो आप लोग आंसर देते जा रहे हैं। 20 जुलाई बिल्कुल सही आंसर है, हमारे दोनों बच्चों ने आंसर दिया है 20 जुलाई, ठीक है। तो अब देखिए 8 अक्टूबर 2021 को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है। 9 अक्टूबर 2021 को विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 2021 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और 17 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने आपको बता दिए। 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस, क्या मनाया जाता है, विश्व शतरंज दिवस। न्यायपालिका में पारदर्शिता पैदा करने के लिए न्यायिक कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा के गया था, और मैंने इसे एमसीक्यू बेस्ड पे ना पढ़ा के मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, थ्योरी बेस्ड पे पढ़ाया था, और आपको बताना, यस आपको बताना है, फटाफट बताना है कि न्यायपालिका को पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए अभी एक हाई कोर्ट है जिसने अपनी जो कोर्ट की सुनवाई होती है उसको ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया है, और इसका उद्घाटन किया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और उस उच्च न्यायालय का नाम है गुजरात हाई कोर्ट। क्या है सही आंसर, गुजरात हाई कोर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात बिकम द फर्स्ट ऑफ द कंट्री, फर्स्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मली स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑन इट्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आपको बता दें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या गुजरात का उच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और खुलेपन को सुनिश्चित करने के लिए YouTube चैनल पर कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला राज्य बन गया है, गुजरात इज द राइट आंसर, वेल डन, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने, अगली खबर, ग्रामीण भारत में नव बैंकिंग यानी नियो बैंकिंग, कौन सी बैंकिंग, नियो बैंकिंग, नियो बैंकिंग तो आप सभी लोग जानते होंगे ना, नियो बैंकिंग जहां पर ब्रांच की बात नहीं होती है, इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड की जाती है फिजिकल इंटरफेरेंस के बिना, उसे कहा जाता है नियो बैंकिंग, ठीक है। तो आपको बताना ग्रामीण भारत में नव बैंकिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किस भुगतान बैंक ने मल्टी लिंक के साथ साझेदारी की है, ये खबर भी मैं आपको पढ़ा के गया था, और सपना कुमारी जी आपका स्वागत है, वेलकम। तो आपको बता दें कि विच पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विद मल्टी लिंक टू बिल्ड नियो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया, चलिए गुड मॉर्निंग, फटाफट आंसर देना बच्चों, सभी लोग दोस्तों आंसर देना है, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो एनएसडीएल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर, एनएसडीएल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। देखिए आप सभी को बता दें कि जो एनएसडीएल पेमेंट बैंक है इसने नियो बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से भारत के ग्रामीण और अर्ध यानी सेमी अर्बन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में एजेंट पॉइंट बनाने के लिए फिनटेक कंपनी मल्टी लिंक के साथ एक टाइप किया है, ठीक है। अब एनएसडीएल बैंक के बारे में बता दें तो 2018 में यह बैंक क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, 2018 में यह बैंक क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और आशुतोष सिंह इसके सीईओ है, आशुतोष सिंह इसके क्या है, सीईओ है। चलिए अब आपको बताना है उस साइट का नाम जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची से हटा दिया गया, चलिए ऐसी कौन सी साइट है इनमें से, नेम द साइट दैट हैज रिसेंटली गॉट रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में से अभी हाल ही में इनमें से कौन सा, इनमें से किस स्थान को हटा दिया गया है, चलिए किस स्थान को हटा दिया गया है ये आपको आंसर देना है, चलिए फटाफट। तो पहला है लिवरपूल मैरीटाइम सिटी, इल्बे वैली, अरेबियन ऑरेक्स सेंचुरी, बेलफ्रीज ऑफ बेल्जियम एंड फ्रांस और टूर्नाई कैथेड्रल, किसको इसमें से हटा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो लिवरपूल, किसको, लिवरपूल मैरीटाइम को यहां से हटा दिया गया है, किसको हटा दिया गया, लिवरपूल मैरीटाइम। देखिए यूनाइटेड किंगडम, नाम सुना होगा सभी ने, यूके, यूके को तो सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई, यूके तो सभी लोग जानते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, यहां पर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ए, बिल्कुल सही है।
यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल मैरिटाइम मर्केंटाइल सिटी को आयोजित वोटों की गिनती हारने के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। इसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था और डिलिस्ट होने वाली केवल तीसरी साइट है। ठीक है, तो आपको बता दें जो लिवरपूल मैरिटाइम मर्केंटाइल सिटी है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से अभी रिसेंटली हटा दिया गया। सोनम बिल्कुल सही आंसर आपने दिया बेटा, बिल्कुल सही आंसर है इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, कहां पर है? पेरिस फ्रांस में। अगली खबर, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हीरोज कनेक्ट पुरुषों और महिला खिलाड़ियों दोनों का एक वेब डेटाबेस लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको बताना है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च हीरोज कनेक्ट अ वेब डेटाबेस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन। चलिए फटाफट आंसर देना है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया है कुछ। देखिए अभी हाल ही में देखिए इन्होंने लिखा है ग्वालियर एंड ओरछा को यूनेस्को की हेरिटेज, अच्छा ठीक है, सिटी में शामिल किया गया है। नीलिमा मैम ने आंसर दे दिया हॉकी, बिल्कुल सही आंसर है मैम, बहुत बढ़िया, हॉकी इंडिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। हॉकी इंडिया हैज लॉन्च इट्स ओन प्लेयर ओरिएंटेड वेब बेस्ड एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड हीरोज कनेक्ट। ठीक है, इट विल क्रिएट डिटेल्ड डेटाबेस ऑफ द प्लेयर्स दैट हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स गेम। ठीक है, तो हॉकी इंडिया ने हीरोज कनेक्ट नामक अपना एक स्वयं का खिलाड़ी उन्मुख वेब आधारित जुड़ाव मंच लॉन्च किया है। यह उन खिलाड़ियों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करेगा जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, चलिए दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग में से एक सेला टनल कहां है जिसका निर्माण सड़क सीमा संगठन द्वारा किया जा रहा है? वेयर इज द सेला टनल, वन ऑफ द लार्जेस्ट टनल इन द वर्ल्ड दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द BRO। चलिए BRO के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक सुरंग का उद्घाटन, मतलब सेला टनल कहां पर स्थापित की जा रही है? सेला टनल कहां पर बनाई जा रही है, फटाफट बताइए सेला टनल कहां पर बनाई जा रही है। और नीलिमा मैम ने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। सीमा सड़क महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन सेला टनल के एस्केप ट्यूब के अंतिम विस्फोट को वस्तुतः अंजाम दिया ताकि इसे तेजी से पूरा किया जा सके। ठीक है, तो अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में, सपना जी ने भी आंसर दे दिया है सी और सोनम जी ने बी, तो इसका सही आंसर है बेटा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेला टनल का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, और ये कहां पे किया जा रहा, अरुणाचल प्रदेश में, कहां पे किया जा रहा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बिल्कुल सही अपना अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? आपको बता दें द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, हाउ मच रुपीज। चलिए फटाफट आंसर देना, कितने करोड़ की मंजूरी दे दी है, कितने करोड़ की मंजूरी दे दी है, ये आप सभी को बताना, कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और यहां पर नीलिमा मैम ने लिख दिया 6322 करोड़, बिल्कुल सही आंसर है 6322 करोड़ मेरे दोस्तों। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऑफ रुपीज 6,30322 करोड़ फॉर स्पेशलिटी स्टील। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो प्रोत्साहन स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 6,322 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र में घरेलू निर्यात और निर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, निर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद करेगा। ठीक, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोगों को आंसर देना है। चलिए सोनम ने भी सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, 10% के आरक्षण की घोषणा कर दी है। 10% आरक्षण देने वाला
पहला राज्य कौन सा बन गया? चलिए, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द कप्पू कम्युनिटी एंड अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट इन द इंटरनल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको आंसर देना है वो कौन सा राज्य है, और उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, एपी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है नीलिमा जी और सोनम जी, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति हेतु कापू समुदाय और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसको 10% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी है। यह आरक्षण संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बढ़ाया गया है। कापू मुख्य रूप से आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय है, ठीक है। तो ये कृषि प्रधान समुदाय है और इसको क्या दिया गया, एक रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, आप सभी को थैंक यू वेरी मच, और सभी को बता भी दीजिए कि सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अब इसके बाद हम आपको मिलेंगे शाम को 5 बजे अपने जीए मॉक स्पेशल क्लास में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन करिएगा, और अन अकेडमी पर मेरा कोड है ARS50, इस कोड का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए और हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करिए, यहां से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। अगर कुछ इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप सही पाए जाएंगे तो अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे ब्रेक।